हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग चैम। फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। सिंगल कलर का पैटर्न है, देखिए ये, देखिए बहुत खूबसूरत है और बहुत इजी है बनाने में। जितना ये सुंदर है बनाने में उतना ही ज्यादा इजी है। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो ये जो पैटर्न है हमारा, ये 8 फंदों पर बना है। चार फंदे ये हैं। तो ये 8 फंदे हुए। तो इसमें 8 का मल्टीपल चल रहा है, 8 8 8 ऐसे करके, और लास्ट में हमें 4 फंदे रखने हैं पैटर्न को इक्वल करने के लिए। और एक एक फंदा हमें स्टिच के लिए लेना है दोनों साइड। तो हमें 8 के मल्टीपल में 4 फंदे ऐड करने हैं और 2 फंदे स्टिच के लिए लेने हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 प्लस 6, इस तरह से हमें इसमें फंदे लेने होंगे। ये देखिए, और ये जो हमारा पैटर्न है 12 सिलाई पर कंप्लीट होता है। ये एक डब्बी 6 सिलाई पर कंप्लीट हो रही है, उसके बाद सेम वही सिलाइयां इसमें बनती है, 6 फंदे चेंज हो जाते हैं। इस पर ये बनता है और इस पर ये बन जाता है और इस पर ये बन जाता है। तो बस ये आपस में चेंज हो जाते हैं, वरना तो यही 6 सिलाई बार बार रिपीट होती है जगह चेंज होकर। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है छोटा सा, आप भी इसमें बॉर्डर अपनी पसंद का बनाइएगा और किसी भी स्वेटर में से आप बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, और ये लाइट शेड में भी अच्छा लगेगा, डार्क शेड में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाकर देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें लिए हैं 22 स्टिचेस, 8 के मल्टीपल में 16 प्लस 6, तो 22 है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाकर देखते हैं यहीं से। और मैंने इसमें बॉर्डर नहीं बनाया है, ये स्टिच है, मैंने इसको स्लिप कर लिया। अब धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए, ये है हमारा रिपीट पैटर्न। 4 फंदे ये, 4 फंदे ये, 8 फंदे हैं। अब यही 8 फंदे इसमें रिपीट होंगे। धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 3 4। दो बार रिपीट हो गया है ये पैटर्न। धागा आगे करेंगे, अब लास्ट में 4 फंदे उल्टे, 2 3 और ये 4, और धागा पीछे करके स्टिच सीधा बना लेंगे। अब आ जाते हैं हम रॉन्ग साइड पर। यह है हमारी दूसरी सिलाई, इसे भी ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ये फंदा हमने स्लिप कर लिया जो स्टिच है, ये हमने 4 फंदे उधर उल्टे बुने थे। अब देखिए हमें कैसे करना है। इन 4 फंदों में से 2 किनारे के फंदे हमें इधर से सीधे बनाने हैं, बीच के 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो ये किनारे का फंदा हमने सीधा बना लिया। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, और धागा पीछे करेंगे, ये फंदा चौथा सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जो फंदे हमने उधर से सीधे बनाए हैं 4 फंदे, वो इधर उल्टे आएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो हमारे ये 8 फंदे हो गए हैं। अभी ये रिपीट पैटर्न है, यही आगे रिपीट होगा। धागा पीछे करेंगे, 4 फंदों में से पहला फंदा सीधा बनाएंगे, 4 फंदों में से बीच के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा बनाएंगे, चौथा फंदा। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे जो हमने उधर से सीधे बनाए थे, 3 और ये 4। धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा और धागा आगे, 1 फंदा, ये स्टिच है, ये हमने उल्टा बना लिया। ये हमारी दूसरी सिलाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ, यही 2 सिलाई हमें 2 बार और रिपीट करनी है, अर्थात ये हमें 6 सिलाई बनानी है इसी तरह से। तो राइट साइड में बिल्कुल इजी है, रॉन्ग साइड में जैसे हमने ये बनाई है वैसे ही बनेगी।
तो चार फंदे उल्टे चार सीधे, चार उल्टे चार सीधे चार उल्टे, और ये स्टिच जैसे हमने स्लिप किया है इधर से वैसे ही स्लिप करेंगे। तो ये आगे मैं चार सिलाई और बना लेती हूँ, दो मैं बना चुकी हूँ और चार सिलाई मुझे और बनानी है सेम वैसे ही। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चार फंदे हमने उल्टे बना लिए, चार फंदे सीधे बना लिए, और रॉन्ग साइड से बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हम बना रहे हैं। रॉन्ग साइड पर हमारी जो दूसरी सिलाई थी वही रिपीट होगी, चौथी सिलाई भी और छठी सिलाई भी, और इधर से पहली तीसरी और पांचवी सेम आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, छह सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये जो एक लाइन है ये तीन बार हम बनाते हैं, तो राइट साइड से बिल्कुल सिंपल है, चार फंदे उल्टे चार सीधे, चार उल्टे चार सीधे चार उल्टे, और रॉन्ग साइड से जब हम बनाते हैं तो चार फंदों में से पहला और चौथा फंदा सीधा और बीच के दो उल्टे, और ये जो सीधे बन रहे हैं ये उल्टे। तो सिंपल ही है, दूसरी चौथी और छठी एक जैसी सिलाई होती है, पहली तीसरी और पांचवी एक जैसी होती है। अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे, ये है हमारी सातवीं सिलाई, और यदि हम कहें तो अगले पैटर्न की पहली सिलाई। ये मैंने स्टिच है ये मैंने स्लिप कर लिया, अब धागा पीछे ही रखेंगे। अब ये फंदे जो हमने उल्टे बुने थे अब ये फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार। अब धागा आगे करेंगे, ये चार फंदे जो है ये उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार। तो ये आठ फंदे हो गए, आठ फंदे यही आठ फंदे आगे रिपीट होंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे, चार फंदे उल्टे, जो सीधे हैं इन पे उल्टे बनेंगे, सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा, तीन चार, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, तीन और ये चार। और ये स्टिच है हमने पहले सीधा बुना था, तो ये अब हम सीधा ही बुनेंगे। अब देखिए ये है हमारी रो नंबर एट स्टिच है, ये मैंने स्लिप कर लिया, और ये चार फंदे जो हमने उधर से सीधे बुने हैं ये चारों फंदे इधर से उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार। अब जो चार फंदे हमने उधर उल्टे बुने हैं अब उनमें हम यही करेंगे जो हमने इनमें किया था, पहला और चौथा फंदा सीधा बुनेंगे, बीच के दो फंदे उल्टे। तो ये पहला फंदा सीधा बुन लिया, दो फंदे उल्टे, और ये चौथा फंदा सीधा। तो ये आठ फंदे हो गए हमारे, चार ये चार ये। अब यही रिपीट होगा इसमें, चार फंदे उल्टे जो उधर से हमने सीधे बुने हैं, और इन चार फंदों में से एक सीधा दो उल्टे फिर एक सीधा, ये दो उल्टे फिर से एक सीधा। अब धागा आगे करेंगे, चार फंदे उल्टे, और ये स्टिच है ये भी हमने उल्टा बना लिया। अब आ जाते हैं हम राइट साइड पर, तो अब देखिए ये हमारी सातवीं सिलाई थी, सातवीं नौवीं और ग्यारहवीं ये सेम बनेंगी, और उधर से ये आठवीं सिलाई हमने बनाई है, आठवीं दसवीं और बारहवीं एक जैसी बनेगी। तो अब हमें क्या करना है, मतलब ये जो हमने दो सिलाई बनाई है परिवर्तन करके चेंज करके, यही सिलाई दो सिलाई तीन बार दो बार और रिपीट होगी। तो चार फंदे सीधे चार उल्टे चार सीधे चार उल्टे, तो ये मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 12 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने दो बार छः छः सिलाई बनाई है जगह चेंज करके, तो बस यही 12 सिलाई आपको रिपीट करनी है, तो आपका ये पैटर्न इस तरह से लगेगा। देखिए इस वाले कलर में बहुत प्यारा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा पैटर्न, और हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें,
और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।